हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए उदयपुर जिला पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है और यही वजह है कि अवैध शराब की तस्करी करने वाले लोग अब तस्करी के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उदयपुर की ऋषभदेव पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक टैंकर से हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के करीब 257 कार्टून जब्त किए। पिछली कई कार्रवाइयों में यह पहला मौका है जब टैंकर के अंदर इस तरह हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया हो। पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब की कीमत बाजारों में करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल ऋषभदेव पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक टैंकर के अंदर हरियाणा से गुजरात की ओर अवैध शराब परिवहन की जा रही है। इस पर ऋषभदेव पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी करते हुए इस टैंकर को रुकवाया। इस दौरान टैंकर में मौजूद ड्राइवर और खलासी टैंकर को छोड़कर मौके से भाग छूटे। वहीं पुलिस ने इस टैंकर को अपनी कस्टडी में लेकर इसकी तलाशी ली तो उसमें बड़ी तादाद में हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब मिली। इस मामले में ऋषभदेव पुलिस ने टैंकर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर स्थित पुलिस थानों के पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।